स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS नर्सिंग आर्योचस इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको BS नर्सिंग, MS नर्सिंग, फार्मेसी, DMLT, पैरामेडिकल, वेटनरी से रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज एंड अपडेट मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको रिमांडेड यानी सप्लीमेंट्री का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है BS नर्सिंग के लिए। तो स्टूडेंट, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन वाला यानी कि एग्जामिनेशन वाला सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इसमें यूनिवर्सिटी पैनल, कॉलेज पैनल और स्टूडेंट पैनल, तो आपको स्टूडेंट पैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट पैनल पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो रीप्रिंट फॉर्म एग्जाम रिवेल रीटोटल, तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट, जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपको फैकल्टीज इसमें टाइप करना है। फैकल्टी टाइप करना है मतलब इसमें देख के आपको सर्च करना है कि आप मेडिसिन से हो, डेंसिटी, फार्मेसी, नर्सिंग, तो आपको नर्सिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने दे रखा है सेलेक्ट एग्जाम टाइप, तो आपके सामने मेन, रिमांडेड और रिवेलेशन रिटोटल, तो आपको मेन या रिमांडेड इस पर आपको क्लिक करना है। पर क्लिक करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स में आपको BSc नर्सिंग जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसको सेलेक्ट करना है। क्लास आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसका भी आप फॉर्म भरना चाहते हो तो वो आपको सर्च करना है। और एग्ज़ाम का नाम आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपके सामने आ चुका है, BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ऑफ दिसंबर, तो आपको ये सब कुछ भर देना है। ये डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे फिर से आपके सामने एक पेज आएगा। इसमें आपको स्टूडेंट नेम जो कि आपका नाम है ना, उसका आपको स्मॉल लेटर लिखना है, दो अपने नाम के आगे का। उसके बाद आपको एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो कि हम आपको फिल करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो आप देख सकते हो नेम के दो स्मॉल लेटर हैं, इसके बाद ये एनरोलमेंट ईयर और एनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप देख सकते हो BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑफ दिसंबर, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव। तो आपको, आप देख सकते हो पहले आपकी डिटेल आ जाएगी, जैसे स्टूडेंट का नाम है, पता है और जेंडर, कैटेगरी, बर्थ, और आप देख सकते हो अटैम्प्ट यानी सेकंड बार अटैम्प्ट, क्योंकि आपके पहले बैक लग चुकी थी इसलिए आपका सेकंड अटैम्प्ट कहलाएगा। आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा और सिग्नेचर आपके आ जाएंगी। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सेकेंड स्टेप आ जाएगा, इसमें आपका परीक्षा का नाम और मुख्य परीक्षा सप्लीमेंट्री रोल नंबर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, लास्ट अटेम्प्ट सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और जो प्राप्त मार्क हुए थे वो सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क और रिजल्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, आपके सामने वो सब्जेक्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा जिसमें आपके बैक है। तो जैसे कि स्टूडेंट के दो सब्जेक्ट में बैक थी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट आ चुकी हैं। तो आप ये नोट देख सकते हो कि आपके विरुद्ध कभी विश्वविद्यालय में केस बना है तो नो, इसमें नो पहले सेलेक्ट कर रखा है। तो आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मांगा जाएगा, तो आप पेमेंट कटवा दीजिएगा UPI से, वॉलेट से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कटवा सकते हो। और जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जिसको आप प्रिंट करवा के अपने कॉलेज में जमा करवा देना और एक अपने पास रख लेना। जो कॉलेज में आप जमा करवाएंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी में जाएगा जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जाएगा। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा और आपको जो एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में, उसमें आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, एडमिट कार्ड कब आएंगे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है वो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर बता रखा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर हम PDF नोट्स, PDF बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी करिए। और आपकी ये जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर रहने वाली है, तो आप 4 दिसंबर से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और कॉलेज में जमा करवा दीजिए ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो रिजल्ट देख लीजिए, आपका रिवेलेशन का रिजल्ट आ चुका है। आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है। रिजल्ट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने BSc नर्सिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। और स्टूडेंट, जो री एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में ही होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए।
इसके अलावा अगर स्टूडेंट आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी रिलेटेड जॉब या वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हो तो सेकंड यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फॉरम स्टार का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। उस पर हम जॉब या वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। स्टूडेंट, आपके लिए एक और न्यूज़ है, अगर आप BS नर्सिंग, MS नर्सिंग, PPT, पैरामेडिकल्स कोर्स करना चाहते हो तो आपके एडमिशन फॉर्म चालू है। आपको ये नोटिस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हो एडमिशन 2021 नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी फिजियोथेरेपी कोर्स। तो आप देख सकते हो BS नर्सिंग, पोस्ट BS नर्सिंग, MS नर्सिंग, BRT, MLT, PG डिप्लोमा, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BPT, इन सब के कोर्स 2021 के लिए चालू है। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए BS नर्सिंग पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म अप्लाई फर्स्ट प्रिंट। यहाँ पर अपना नाम, पता, सिटी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ आपको भरना होगा। आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसकी डिटेल भरनी होगी, सबमिट क्लिक करना होगा तो आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए अपना और जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जिसका भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। तो एडमिशन अभी चालू है RHS यूनिवर्सिटी में, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर करवाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आप मोस्टली ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ एंड अपडेट आपको वहीं पर मिलती है। रिवोल्यूशन रिच टोटल का रिजल्ट निकालने के लिए आपको BS नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, जो भी आपका ईयर हो, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रोल नंबर और इनरोलमेंट ईयर आपको डालना है, इनरोलमेंट नंबर डालना है और व्यू रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप रिजल्ट निकाल सकते हो रिवोल्यूशन रिच टोटल का। और हमने आपको बता दिया है कि फॉर्म आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा 4 दिसंबर से पहले ही। अगर आप 4 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई नहीं करते हो तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। तो स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हो, अगर आपका पेमेंट कट चुका है, यानी आपके पैसे कट चुके हैं और आपके सामने अगर प्रिंट नहीं आया है तो आपको किस प्रकार से प्रिंट लेना है, तो उसके लिए आपको प्रिंट नहीं आने की स्थिति में इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनरोलमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और इनरोलमेंट नंबर इसमें डालना है, और उसके बाद आपको मर्चेंट आईडी आपकी डालनी है, जो कि आपकी जीमेल आईडी पर मिल जाएगी। आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपकी जीमेल आईडी पर वो ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, या आपके मोबाइल नंबर पर जो ट्रांजेक्शन आईडी आएगी उसको आपको इसमें फिल करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट निकल के आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा और कॉलेज में जमा करवा दीजिएगा। एक आपकी स्टूडेंट कॉपी आएगी और एक कॉलेज कॉपी आएगी, तो कॉलेज कॉपी को आपको कॉलेज में जमा कराना है, स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखना है। एडमिट कार्ड कब आएंगे और एग्ज़ाम कब होगा, इसकी जानकारी भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आप अपने फ्रेंडों को भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना फॉर्म फिल कर सके और अपनी एग्ज़ाम पास कर सके। इसके अलावा स्टूडेंट, आपको किसी प्रकार के डाउट हो ANM, GNM, BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से रिलेटेड, तो आप सब कुछ आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब हम आपको बता देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। अगर स्टूडेंट आप नर्सिंग या GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो कि हिंदी मीडियम की है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर खरीद सकते हो। अगर स्टूडेंट आप BS नर्सिंग और GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वो तो हमने बात कर ली नीट और एंट्रेंस एग्ज़ाम की, अब हम बात करते हैं सॉल्ट पेपर ऑफ नीट, यानी कि नीट के आपके जो सॉल्ट पेपर है अगर हिंदी पेपर में लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये बुक खरीदनी होगी। अगर इंग्लिश में आप सॉल्ट पेपर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बुक्स का आपको खरीदनी होगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो जो बुक्स हमने आपको बताई है वो बहुत ही अच्छी बुक्स है, आप इनको पढ़कर आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तो जल्दी से खरीद लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर स्टूडेंट आप BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक नोट्स एंड PDF बुक्स चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपको बता दें कि कौन सा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो BS नर्सिंग RHS इन्फॉर्मेशन, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको BS नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक ऑल बुक्स और PDF नोट्स मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो सब कुछ हमने डाल रखा है। आप ग्रुप में ज्वाइन होके सब कुछ आप पढ़ सकते हो या अपने मोबाइल में भी ले सकते हो।
इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो सकते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन करके बीएस नर्सिंग आरओएचएस इन्फॉर्मेशन सर्च करना, उसके बाद आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो और आप बुक्स और पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका डाउट हो हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।